आज जो हमारी गेस्ट है यहां पर पीछे बैक स्टेज पर उनकी अपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी है मामा अर्थ के नाम से प्लीज गेव इन जैन वेलकम टू द वन एंड ओनली द्लीज इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले पार्ट में मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने क्या किया किस तरीके से किया इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा उसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड हाफ होगा तो उसमें आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इनसे पूछ सकते हैं आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे शुरू किया मामा अर्थ एक्चुअली शुरू हुआ था जब मैंने अपने फर्स्ट बेबी को यू नो जन्म दिया था दिस इज टू थाउजेंड फोर्टीन टाइम पे आ, मैं न्यूयॉर्क एक्चुअली उससे पहले न्यूयॉर्क रह के आई थी मैं वहाँ पे आर्ट एजुकेशन ले रही थी और उस समय वहाँ पे एक पूरी मूवमेंट चल रही थी जहाँ ये बहुत बड़े एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं शेल से उठाए जा रहे थे बिकॉज बोलने में आया था कि उनमें कैंसर कॉजिंग इन्ग्रीडियंट्स होते हैं तो आई थिंक वहाँ से एज अ न्यू मदर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ कि यार इंडिया के बच्चे या मेरा बच्चा ये रिजर्व नहीं करता है तो पहले शुरू किया बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना बट वो बहुत एक्सपेंसिव था मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ हम तो मतलब वो महीने का खर्चा लाइन बाय लाइन ऐसे होना चाहिए एट्टी परसेंट जो है सेविंग होनी चाहिए ट्वेंटी परसेंट में खर्चा चलाना है उस यू you नो know, वो माइंड से आए थे तो वहाँ पर वो बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाना जो है बैठ नहीं रहा था तो वहाँ पे पहले तो बहुत क्रिप किया मतलब जैसे एक वाइफ अपने पति के पास जाके बोलती है कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इंडिया में ये प्रॉब्लम है सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है और वहाँ से शुरुआत हुई थी मामा अर्थ की दिसंबर 2016 में हमने ब्रांड लॉन्च किया था छः बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ और उस टाइम हमारा विजन था कि ये ब्रांड सिर्फ बेबीज़ के लिए है उतना ही रहेगा कैटेगरी भी छोटी थी बट <laughs> हमें उस टाइम लगता था सौ करोड़ का ब्रांड बना लिया मतलब वी वुड हैव किल्ड इट राइट ये तो ये भी बहुत अच्छा कर लेंगे हम उससे ज़्यादा तो एस्पिरेशन क्या हो सकती है बट जैसे जैसे क्योंकि हम कंज्यूमर्स की बात सुन रहे थे उन्होंने ही हमें बोला कि सिर्फ बेबी क्यों मम्मियों को भी तो चाहिए ये वाले प्रोडक्ट्स hmm. बेबीज़ जो है मदर्स के इतने क्लोज रहते हैं तो वहाँ से मदर्स के लिए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए फिर फादर्स डे पे कैंपेन उठाया किसी ने कि ये मामा अर्थ मामा अर्थ क्यों है ये पापा अर्थ क्यों नहीं है पापा उन्हें क्या ख़राब किया है भाई पापा, पापा भी उतना ही प्यार करते हैं बच्चों से right. तो फिर उस तरीके से जो है हमारी कंपनी एक बेबी केयर कंपनी से एक ब्यूटी पर्सनल केयर कंपनी बनी और अब हमारे पास 300 सौ प्रोडक्ट्स अक्रॉस बेबी कैटेगरी स्किन बॉडी हेयर फेस एग्जॉस्टिव लिस्ट और बड़ी रिसेंटली हमने जो है कलर केयर में भी एंट्री ली है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जब हमने स्टार्ट किया था हम एशिया के ओनली मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड थे तो हमने सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रिलाई किया कि हम कह रहे हैं अच्छे तो आप विश्वास कीजिए हमने बोला कंज्यूमर सिर्फ तभी विश्वास करेगा अगर कोई तीसरा बंदा बोलेगा कि यार हमने टेस्ट किया ये सही है ये सेफ है तो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मेड सेफ़ उनके साथ टाई अप करके वो एक प्रोडक्ट में एक एक इन्ग्रीडियंट जो आप डाल रहे हैं किस परसेंटेज में डाल रहे हैं आपका फॉर्मूला किस वेसल में स्टोर हो रहा है इसको जब आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो कैसे लाइन में पैकेजिंग कर रहे हैं जो आप पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइकलेबल है या नहीं सिर्फ स्किन के लिए नहीं एन्वायरमेंट के लिए भी सेफ होना चाहिए आपका पूरा प्रोसेस तो वो सब के साथ जो है हमने मावॉर्ट लॉन्च किया और ये कहाँ की कंपनी है ये मेड सेफ जो आप बता रहे हैं कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ये ये जो है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमने स्टार्ट यूएस वाली के साथ किया था बट जैसे जैसे स्केल करते रहे तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मान लिया था बिग राउंड एट प्रेजेंट कितने आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में कुछ साढ़े चार सौ लोग काम करते हैं और अगर मैं ऑफलाइन टीम भी मिला लू वेयर हाउस टीम ऑफलाइन टीम तो वो पंद्रह सौ से दो हज़ार और लोग होंगे एंड इट्स इट्स अ अ डी डी टू टू सी सी ब्रांड राइट सो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचना शुरू किया था मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट किया था और छ महीने के बाद जो है हमने धीरे धीरे लर्न किया जैसे जैसे कंपनी बनाई उसमें शॉपिंग कार्ड डाला फिर अपनी वेबसाइट से बेचा आ, तो पहले तीन साल हम ऑनलाइन फर्स्ट थे नाइन्टी फाइव परसेंट रेवेन्यू ऑनलाइन से ही आता था बट जैसे जैसे हम बड़े होते रहे और क्योंकि हम कंज्यूमर की बात सुनते हैं तो कंज्यूमर्स ने हमें बोलना शुरू किया कि हम आपको ऑफलाइन में भी देखना चाहते हैं क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम टच फील करके खरीदना चाहते हैं तो फिर हमने ऑफलाइन एक्सपैंड करना शुरू किया अब हम चालीस हजार प्लस दुकानों में अवेलेबल है तो जब आपने शुरू किया था तो ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है इनिशियली उसको फिगर आउट करना तो उसमें आपको कितना टाइम लगा था तो मैं बताती हूँ हमने दिसंबर में लॉन्च किया अमेजॉन का लॉन्च पैड लॉन्च हुआ था पैसे hmm. तो नहीं इतने थे ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह पे लगा रहे हैं तो हमने लॉन्च पैड के साथ ही अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया हमने बोला hmm. आप लॉन्च कर रहे हो हम आपके इवेंट में आएंगे अपने ब्रांड की बात करेंगे वहीं hmm. से लॉन्च किया तो आई थिंक पहली सेल तो उससे अगले दिन ही आ गई थी तो पहली सेल आई थी लाइक like सेलिब्रेटिंग उसके बाद एक एक दो दो सेल आती रही रोज़ के हिसाब से बट पंद्रह दिन बाद और मेरे को एग्जैक्टली exactly डेट भी याद है कुछ बीस दिसंबर को एक बड़ा ऑर्डर आया वो बड़ा ऑर्डर था कि एक माँ अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रही थी और उसने बोला कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स इतने पसंद हैं कि मैं रिटर्न गिफ्ट्स में मेरे जो है तीस हेम्पर्स जाने हैं मैं आपके प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ और उस टाइम मतलब मैं घबरा गई थी कि ये ये ऑर्डर कैसे फुलफिल करेंगे हम ये तो इतना बड़ा ऑर्डर स्टॉक नहीं होता यूजुअली जब हम यूज बिल्कुल नहीं होता रहा काफी हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे पर जब डिलीवर कर दिया ना ऑर्डर उसके बाद लगा के यार नाउ वी आर इन बिजनेस अब ये शुरुआत हो चुकी है अब इसके आगे स्केल ही करना है फिर हमने प्रोसेसेस सेट करने शुरू किए मैंने अपना पहला एम्प्लॉय जनवरी में हायर किया था वो आज तक हमारे साथ काम कर रहा है

कॉन्फ्लिक्स हुए या नहीं हुए अगर हुए तो कितने हुए देखिए दिक्कतें तो हर जगह आती है इसमें कोई मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत लड़ती हूँ हमारे बहुत डिस्कनेक्ट होते हैं बट हमने बड़ा जल्दी ये समझ लिया था कि यार अगर काम इकट्ठा करना पहले तो सबसे पहला बंदा जो मेरी टीम का पार्ट बना था वो वरुण थे आप समझिए कि जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं पहले तो सारे ही आसपास काफ़ी डाउट कर रहे होते हैं कि यार क्या जरूरत है इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो इतना कंफर्टेबल है बच्चा इतना यंग है ये सारा लाइफ ये अपना बच्चा आप रिस्क में क्यों डालना चाहते हो तो पहले तो वो प्रेशर फाइट करना अपने आप में एक बैटल होती है उसके बाद अपने हस्बैंड को कन्विंस करना कि आप भी अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के मेरे पास आ जाओ तो ही वाज फ्रॉम द मार्केटिंग स्पेस लाइक वो मार्केटिंग स्पेस तो मार्केटिंग का बेसिकली उन्होंने सोचा होगा प्रोडक्ट का पूरा आपने देखा होगा व्हाट right? हाँ जी राइट जी शुरुआत में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था तो बट जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को कन्विंस कर रहे होते हो ना तो आपके सामने वो शीशा रख देते हैं कि क्या बोल रहे हो क्या सोच रहे हो पर्सनली hmm. प्रोफेशनली ये सोचा है ये चीज़ें एंड वो कन्विंस अगर आपने कर लिया आपने फैमिली मेम्बर को अगर आपने कन्विंस कर लिया ना कि आप भी ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ तो फिर आप किसी भी इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हो बिकॉज मुझे लगता है वो सबसे मुश्किल बात है तो वंस ही केम ऑन बोर्ड फिर तो हम एक और एक ग्यारह हो गए थे Hmm. फिर हमने जो है काफी मैंने पूरा प्रोडक्ट आज तक मैं इनोवेशन खुद देखती हूँ तो हमारी कंपनी से जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो पर्सनली फॉर्मूला से लेके पैकेजिंग से लेके टेक्सचर से लेके वो सारी चीज आज तक मेरे अंडर है कि प्रोडक्ट में ये होना चाहिए ये बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी वो बिकेगा अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर टेम्परेरी बस क्रिएट कर सकते हो आप बिजनेस नहीं बन सकता उसके ऊपर वरुण ऑफकोर्स इतने एक्सपीरियंस है जो मार्केटिंग एंगल लेके आए थे कि यार कैसे बात करनी चाहिए क्या बोलना चाहिए फॉर दैट मैटर लॉन्च से पहले हम मुझे अभी भी याद है हम साउथ डेली जाके एक टॉय स्टोर के बाहर जाके अपना एक छोटा सा टेबल लगा के खड़े हो गए थे हमने बोला ये टॉय स्टोर है यहाँ पर पे तो पेरेंट्स ही आते हैं जो भी आएगा हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करके समझें कि वो हमारा प्रोडक्ट देख के क्या सोच रहे हैं हमने पहले सोचा था दुकान के अंदर स्टॉल लगाएंगे पर हमें ऐसे थ्रो कर दिया गया बाहर <laughs> कौन है आप मतलब होता है, बिल्कुल आ, के मतलब आ, क्या बात कर why, आ, why would we give you space, रहे हो वुड बी गिव यू स्पेस राइट तो हमने दुकान तो के बाहर वो वॉकवे होता है जहाँ पे जो कॉमन पैसेज होता है वहाँ पे हम लगा के खड़े हो गए थे वहाँ पे जैसे जैसे कंज्यूमर आते रहे हमने बहुत बात की एक लंबी सी गाड़ी से एक ममा उतरी उनके ट्विनस थे दो नैनीस थी तो मुझे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था मैंने बोला ये पक्का प्रोडक्ट समझेंगी ये प्रोपोजिशन भी समझेंगी इनसे बात करते हैं तो जैसे जैसे मैंने उनसे बात करना शुरू किया उन्होंने बड़े अच्छे से क्रीम लगाई देखी बहुत अच्छी है मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छा है सारा कुछ करने के बाद उन्होंने बॉटल पे देखा कहते इस पर लिखा है कि सल्फेट फ्री है क्या फ्री दे रहे हैं आप इसके साथ <laughs> <laughs> और मतलब मेरा मुँह आज भी उस बात पे ऐसे ही खुलता है और उस टाइम भी ऐसे ही खुला था एज लाइक like, ये तो हम बड़े गलत में रह रहे हैं कि हम ऐसा बिजनेस बना देंगे हम ऐसे प्रोडक्ट यहाँ तो कंज्यूमर को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम हाँ, बात क्या कर रहे हैं हमें तो ये भी समझाना पड़ेगा ये सल्फेट और पैराबिन है क्या हाँ। तो उस तरह से जहाँ मैंने बोला कि वेबसाइट पहले छः महीने के लिए सिर्फ लर्निंग के लिए थी कि यार आप आके समझिए बस और कुछ मत कीजिए बहुत सारे ब्लॉगर्स से बात की बट आई थिंक शुरू से जो एक चीज़ हमने किया है ना वो कंज्यूमर कनेक्ट कि यार जब आप उसकी तकलीफ समझोगे और उसकी तकलीफ़ के हिसाब से अपना कंटेंट क्रिएट करोगे अपना प्रोडक्ट क्रिएट करोगे अपनी कम्युनिकेशन क्रिएट करोगे उसकी भाषा में आप उससे बात करोगे वो अपने आप प्रोडक्ट उठाएगा वो बहुत ज़रूरी है

बिजनेस शुरू करने में ना दो चीज़ें कोर होती हैं या तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे या फिर वो किसी चीज़ को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दे जब इन दोनों बकेट्स में आपका आइडिया रहेगा ना तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है उसके बाद आता है बिजनेस को एग्जीक्यूट करना जहाँ पे सबसे बड़ा फोकस आपका प्रोडक्ट पे होना चाहिए चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में हो चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो चाहे आप यू नो फाइनेंस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो आप बेचना चाहते हो वो डिपेंड करता है बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप जिसको बेचना चाहते हो उसको वो बात समझ में आ जाए राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ब्यूटी में उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट करना था बहुत सारे बड़े ब्रांड से कितने सालों से यूज करते हुए आ रहे थे लोग अब उनको सडनली बोलना कि मैं एक नया ब्रांड हूँ आप मुझे खरीदिए बहुत मुश्किल था तो मैंने वहाँ पर प्रॉब्लम समझी प्रॉब्लम ये थी कि यार सर्टिफाइड सेफ प्रोडक्ट कोई भी नहीं था उसमें प्रॉब्लम सॉल्व मैंने कैसे की कि यार जहाँ आप बड़े ब्रांड यूज़ करते हो बहुत महंगे होते हो मैंने आपको जितने में आप अभी ब्रांड ख़रीद रहे हो उससे आप पंद्रह परसेंट एक्स्ट्रा दो आपको ये इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट से वहाँ से मैंने कंज्यूमर अट्रैक्ट करना शुरू किया और इंडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर ना कहानियाँ स्प्रेड होती हैं एक माँ ने जब अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट बनाए बाकी माँ उस प्रोडक्ट पर अपने आप भरोसा करेंगी क्योंकि माँ वाली फीलिंग तो मतलब और कोई कोई ब्रांड कोई कंपनी कंपीट ही नहीं कर सकती ना जो केयर जो प्यार एक माँ लेके आती है तो आई थिंक वो कहानी अपने आप से स्प्रेड होती गई मेरे को भी बिजनेस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मैंने कोई बिजनेस डिग्री नहीं ली हुई पी एन एल का मतलब भी नहीं पता था जब मैं घुसी थी मतलब मुझे नहीं प्रॉफिट और लॉस अलग से पता था पी एन एल की फुलफॉर्म क्या होती है मुझे नहीं पता थी ठीक है तो वो जैसे जैसे काम करते रहे सीखते रहे अपनी पेस पे सीखे एक हिकअप होता है कि यार अगर मैं इस कमरे में घुस रही हूँ ना कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी ये स्टूपड लगेगा ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कोई क्वेश्चन स्टूपड नहीं होता जब आप लर्निंग फेज़ में हो ना आप ओपनली जाके ना एडमिट करो कि देखिए मैं ये काम पहली बार कर रही हूँ मुझे नहीं आता मैं आपसे सीखना चाहूँगी मुझे बहुत पसंद आएगा लेकिन मैं कुछ सवाल ऐसे भी पूछ सकती हूँ जो आपको लगेगा कि यार मुझे पता होने चाहिए बट शायद मुझे पता ना हो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप ना रेडी रहिए जब वो सटीट्यूड के साथ आप घुसोगे ना ये बाकी सारी चीजें और जब आप अपना प्रोडक्ट बना लोगे ना कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आती हैं उसके साथ क्योंकि आपसे बेहतर उसके बारे में एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली वन एवर यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि मैं इंग्लिश में बोलने में ज़्यादा अच्छे नहीं हूँ हिंदी में तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से बात करते हो नॉनस्टॉप बोलते ही रहते हो घर वाले कहते होंगे चुप हो जाए बहुत बोलते राइट ऐसा होता है नहीं होता है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबकी बहुत अच्छी है घर में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हो अपने भाई बहन के साथ फ्रेंड्स के साथ घर में पेरेंट्स के साथ सबके साथ कम्युनिकेट कर लेते हो बट यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इज नॉट इंपॉर्टेंट अभी यहां पर इंग्लिश में कौन बात कर रहा है कोई भी नहीं तो इस गलत फहमी को अपने माइंड से निकालिए जो इन्होंने बात कही बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अगर वो प्रॉब्लम आपने खुद फेस करी हो फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे पैशन भी आ जाता है जैसे इन्होंने खुद एक प्रॉब्लम को फेस किया एज मदर फिर एक पैशन के साथ में जा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा सबके बारे में बट अभी जो आपने बात कही उससे मेरे माइंड में एक थाट आ रहा है कि आपने ये कहा कि जब आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने अपना जो प्राइस है वो औरों से ज्यादा रखा फिफ्टीन परसेंट जी बट जब आपने ज्यादा रखा तो क्यों उन्होंने चूज किया एक ऐसी कंपनी को जो कि अभी इतना ये है? भी हमने उनसे बात करके ही समझा था क्योंकि हम जो इंग्रेडिएंट डाल रहे थे प्रोडक्ट में वो महंगे थे जो बाकी लोग यूज कर रहे थे वो तो बड़ों में भी वही जा रहा है बच्चों में भी वही जा रहा है सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट है उसकी मात्रा ज्यादा रख के जो है प्रोडक्ट बना के बेच दिया वो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं थी वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए जो हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स थे मेरे सर्कल में ही मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे पहले बात किया जिन्होंने जिनके बच्चे हुए थे उसी टाइम पे उसके बाद जो है मैंने उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात किया और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाहर से ही प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे क्योंकि उनको ये पता था कि यार जो यहाँ इंडिया में मिल रहा है ना वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं करता जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आई थिंक वहाँ से जब हमने उनसे बात किया हमने प्राइस पॉइंट भी डिस्कस किया हमने बोला कि मतलब हम इतने पे लॉन्च करना क्योंकि उस टाइम ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो भी हमने आइडिया लगाना था हमें समझना था और उस टाइम पर उन्होंने बोला कि यार ये लोशन जो है दो का आता है मैं तीन देने को तैयार हूँ बट मुझे जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए प्रोडक्ट में श्योरिटी चाहिए मुझे हार्मफुल केमिकल्स हाँ, नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है तो बस वही मल्टीपल लेके वही ऐसे एनेक्डोट्स लेके हमने जो है अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की उसमें हमारे लिए बहुत जरूरी थी जितने पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जितना एम होना चाहिए उसका जो मार्जिन होता है जो कॉग्स इंटू एम का रेशियो जो होता है वो छः गुना से ज्यादा होना चाहिए बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस में आपको जो है कमीशन्स uh, भी देनी पड़ती हैं आपको जो है डिस्काउंट भी देना पड़ता है बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट भी आते हैं भी होते हैं इससे कम पे तो आप पैसा गवाओगे आप पैसा बना नहीं पाओगे तो आई थिंक हमारी वो वाली स्ट्रेटेजी कंज्यूमर से बात करके हमने बनाई थी इसलिए वो चल भी गई जब सौ लोगों ने बोला कि हम खरीद लेंगे वहां से हमें ये भी पता चल गया कि यार प्राइस बिल्कुल ठीक है इससे कम करने की जरूरत नहीं है फिर हमने उसको स्केल किया तो पहला बहुत जरूरी है कि छोटे ऑडियंस के साथ आप अपना कम्युनिकेशन प्रोडक्ट और प्राइस टेस्ट कर लीजिए मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूंगा जे? कि उस टाइम पे जब आपने लॉन्च किया था यानी बेबी प्रोडक्ट से आपने शुरू किया था छह प्रोडक्ट से तो क्या उस टाइम पे कोई और भी थी, Indian, जो प्रोडक्ट सेल कर रही थी, या के उस थे पहला जो उस पे कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं कर रही थी अच्छा। एक दो छोटे छोटे लोग थे बट वही बात थी वो सब कह रहे थे हम अच्छे हैं हम अच्छे हैं हम अच्छे हैं हमने बोला हम नहीं बोलेंगे हम अच्छे दूसरे लोग हमारे लिए आके बोलेंगे कि हम अच्छे और जब वो लेबल मिलता है ना ब्रांड खाली इंडिया का नहीं एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड वहां से हमने ट्रस्ट विन किया था लोगों का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि वेन यू आर डूइंग समथिंग तो आपको कुछ अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो बाकी के लोग हैं उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक फैक्टर नजर आ रहा है दैट इज मेड सेफ क्योंकि अगर मेड सेफ नहीं होता और ये क्लेम करते ऑर्गेनिक है तो उसका

बट आई टू नो वट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पैसन जो चीज आपकी नींदे उड़ा दे आपको रात को सोने ना दे वो पैशन है इन्होंने कहा कि पैशन वो होता है जो कि आपकी नींद उड़ा दे बिल्कुल सही लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक चीज और भी देखनी है कि कहीं आपका वो पैशन ऐसा ना हो कि वो औरों की भी नींद उड़ा दे फॉर <laughs> एग्जाम्पल आप कहते हो मेरा पैशन है सिंगिंग और वो पैशन आपकी नींद उड़ा देता है लेकिन पड़ोसियों की भी नींद उड़ा देता हैं और वो पुलिस को फोन कर देते हैं राइट right? तो गड़बड़ हो जाएगी यू आर गेटिंग आई एम कमिंग फ्रॉम इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या समझने वाली है आप लोग कहां कहां करते हो गड़बड़ करते हो बार बार जब आप पैशन की बातें करते हो तो आप ये नहीं समझ पाते कि पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें होती है एक है आपका पैशन वो कुछ भी हो सकता है वो क्या है वो बताना बड़ा आसान है क्या है ऐसा जो रात को आपकी नींदें उड़ा देता है बताओ क्या करते हो पूरी रात मत बताओ हाँ, आगे बढ़ते हैं तो पैशन क्या है वो हम सबको पता है जहां पे हमको मजा आता है बट क्या उससे पैसा कमा सकते हो सो so, पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं आपको क्या करना है अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो आपकी ना हो आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है वहां से पैसा कमाना है नहीं ना आपको किससे फर्क पड़ता है? कि है, है इनके पैशन से फिर आपको वहां पर एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया बेस्ड अपॉन कि आपको लगता है कि मेरे अंदर ये स्किल है या ये बर्निंग डिजायर है या ये डिजायर है ये करने का जैसे इनके केस में अगर देखा जाए तो इनका पैशन क्या था उस टाइम पे जब इन्होंने कंपनी शुरू करी कि मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि बिल्कुल सेफ हो वहां से इनको एनर्जी मिली इस काम को शुरू करने की फिर उसके बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए अभी तो अगर ये बैठ करके बताएंगी ना कि कितने चैलेंजेस आए तो यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स के कितने चैलेंजेस आए होंगे अगर इनकी अकेले की ये प्रॉब्लम होती और इनका पैशन होता और ये सॉल्व भी कर लेती तो वहां से एक बिजनेस खड़ा नहीं होता पैसा नहीं आता बट ये इनकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं थी ये और सब मदर्स की प्रॉब्लम थी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी तो जब इनका पैशन एक बड़ी प्रॉब्लम से कनेक्ट हो गया तो एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट हो गई यू गॉट द आंसर प्लीज है हमारा क्वेश्चन ये है कि सर हमारा माइंडसेट जॉब में भी होता है सर बिजनेस में भी होता है और इसमें हम सर खुद से भी सेल्फ डिपेंड होकर के सर कोई भी डिसीजन खुद से डिसाइड नहीं कर पाते कि हम एक्चुअली करें तो क्या करें और इसी में सर हम दिन दिन रात दिन रात लगे रहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है सर इट्स अ गुड क्वेश्चन मतलब कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि एक इंसान इंसानी पता लगा सके कि उसको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए बेस्ड अपॉन हिज और हर पर्सनैलिटी क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि मतलब में क्या अलग होता है अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कभी भी ना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं हुआ हमेशा डर की फीलिंग ज़्यादा थी कॉन्फिडेंस की फीलिंग से कि यार पक्का यही है कि यही करना चाहता है ये बन जाएगा बड़ा बिजनेस वो वो डाउट था दूसरी तरफ जो है शॉर्ट टर्म में जॉब थी तो आई थिंक शुरू में मैंने जो है जॉब वाला वे लिया कि पहले ये कर लेती हूँ ये करते करते फिगर आउट करती हूँ कि जो मैं करना चाहती हूँ वो और बेटर कैसे होगा मेरे वायदे में मामा हर्ट से पहले दो स्टार्टअप्स रहे हैं जो मैंने शुरू किए और डेढ़ दो साल में मैंने बंद भी करे तो वहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ लर्निंग्स हैं बट पहले जॉब किया जॉब करते करते अपने आइडिया को शार्प किया ताकि टेम्परेरली भी पैसा जो इनकम है वो ना रुके मैं कमाती रहूँ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूँ जैसे जॉब करते करते मुझे लगा कि अब ये बिजनेस जो है इस स्टेज पे है कि मैं ये छोड़ के अपना पूरा समय इस पे लगाना चाहती हूँ फिर मैंने जो है अपना आइडिया पिकअप किया और मैंने स्टार्ट किया मेरा लॉजिक भी हमेशा वही रहता है कि अगर आपको डाउट ज़्यादा है कंपेयर टू कॉन्फिडेंस बिकॉज जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना तो फिर आप वो ऐसे उछलती हुई मछली बन जाती फिर आपसे रुका नहीं जाता फिर आप फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती आपको जो है घुसना होता है उसके अंदर फुल फ्लैजडली कि यार ये मैं क्रैक कर लूंगी क्योंकि मुझे पता है क्या करना है मेरा बड़ा गोल माइट भी ये हो बट मुझे पता है पहले दस कदम मेरे ये होने वाले हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो फिर वो आप रात को सो नहीं पाओगे जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वहां पे अपने आप फिर जॉब छूट जाती है एक्सेलेंट पॉइंट लेट्स बिग राउंड ऑफ फॉर हर थैंक यू सो मच गजल फॉर कमिंग एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू